हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। पी ब्लॉक एलिमेंट को कुछ ग्रुप में डिवाइड किया गया जो आपको क्लास 12 के सिलेबस में आपको मिलने वाला है, ग्रुप 15 टू ग्रुप 18। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग सेक्शन वाइज पढ़ेंगे एज अ ग्रुप, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। इस तरह से मैंने क्वेश्चंस को ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया और आज का हमारा ये लेक्चर बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन के ऊपर, जो 2022 एंड 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस वन बाय वन करेंगे। तो गाइज, बैठे बैठे क्या करना है, करना है कुछ काम, शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना लेकर एस खान सर का नाम। तो ये आपके सामने सबसे पहले मैं ला रहा हूं 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर मन है तो बनाएंगे, नहीं मन है तो मैं आपको सॉल्व करके तो देने वाला हूं। चलिए गाइस, क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं आंसर की तरफ और आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड, मतलब इसमें कुछ गैसेस हैं और इस गैस में ये कलर पूछ रहा कि ये गैस इसमें से कौन सा गैस है जो क्या होगा, कलर्ड होगा। वैसे ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन में आंसर तो आपको पता ही होगा, आंसर क्या है, आंसर है बी। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि अमोनिया जनरली कलरलेस होता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी कलरलेस होता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कलरलेस होता है। ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका कलर्ड होगा। अब कौन सा कलर्ड होगा ये भी समझ लो आप, तो कलर्ड में आपको दिख रहा है रेडिश ब्राउन, याद रखने वाला क्वेश्चन है रेडिश ब्राउन। और जैसे ही आप इस गैस को बना रहे हो तो आप देखो यहाँ पर से गैस निकल रहा है, ये कौन सा गैस है, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि कौन सा गैस कलर्ड होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बाकी सारे गैस कैसे होते हैं, कलरलेस, ग्रुप 15 से रिलेटेड, क्योंकि नाइट्रोजन बिलोंग्स करता है ग्रुप 15 में। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बात समझ लीजिए आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये मैंने लिख दिया। इन सारे एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट्स आएगा तो वो ग्रुप 15 से बिलोंग्स करेगा। इन द सेंस हो सकता है उसका कोई कंपाउंड हो या हो सकता है उसका रिएक्शंस हो, तो इसमें से कोई भी एलिमेंट्स पे बात होगी तो ये सारे एलिमेंट ग्रुप 15 से बिलोंग्स करते हैं। और आपको याद कैसे रखना है, तो याद रखने के लिए कहना है नाना पापा अम्मी सब बीमार, ठीक है, या फिर दूसरे ट्रिक्स पे आते हैं, नाना पापा अम्मी सब बीमार को सर आप बीमार कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरे ट्रिक्स में आते हैं तो दूसरा ट्रिक्स कहता है नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, तो मतलब आपको याद हो जाएगा ग्रुप 15। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। सर हमको लगा कि वही नई पड़ोसन वाला बात करने जा रहे हैं, तो एक बार फिर से सुन लो, नई पड़ोसन ऐश्वर्य से भी ब्यूटीफुल, मतलब इसमें से कोई भी एलिमेंट्स आएंगे तो ग्रुप 15 से बिलोंग्स करेंगे, जिसका हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। चलिए, आपको कष्ट कम लेना है, बस इतना याद रखना है कि जो मैं समझा रहा हूं उसको मतलब समझने पे पूरा फोकस करना है। क्वेश्चन 15 से कौन है, क्वेश्चन 16 से कौन है, ये मेरा काम है जिसे मैं डिवाइड करके लाऊंगा। चलिए, एक क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन है गाइस आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ दो चीजें हैं जिसको मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और डिवाइड करके क्या बता रहा हूँ, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अमोनिया का मैन्युफैक्चर आप कैसे करते हो, और दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉपर सल्फेट के साथ अमोनिया जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्लियर। चलो, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया जो होता है वो हड़बड़ाहट प्रोसेस से होता है, नहीं सर हड़बड़ाहट नहीं, हैबर्स प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनता है। और अमोनिया का बनना बहुत आसान है, आप समझो कि N2 आपने लिया, किस फॉर्म में लेंगे, तो N2 गैस के फॉर्म में लेंगे, पाया ही जाता है गैस के फॉर्म में, और 3 मोल क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे, सही है, 1 मोल नाइट्रोजन, मतलब 1 लीटर नाइट्रोजन और 3 लीटर क्या ले लिया आपने, हाइड्रोजन। और जैसे इस दोनों को मिक्स किया, कुछ टर्म ऑफ कंडीशन अप्लाई करके, वो मैं बताऊंगा अभी, 2 मोल क्या बन गया आपका, अमोनिया बन के तैयार हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पहली बात कि ये रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल है, पहली बात रिवर्सिबल रिएक्शन है, दूसरा कि ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, दिख रहा ना एक्सोथर्मिक, ये तो नहीं दिख रहा एक्सोथर्मिक, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है और रिवर्सिबल आपको दिख रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और दूसरा क्या है, ये एक्सोथर्मिक। इस दोनों के अलावा जो तीसरा कंडीशन पे मैं बात कर रहा हूं कि अमोनिया के बेसिस पे, कि अमोनिया को अगर हमको बनाना है, वैसे देखा जाए तो आपने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाया अमोनिया बन गया, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, अमोनिया फिर से टूट करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन में बन जाएगा, और हमें चाहिए अमोनिया। तो इसके लिए हम लोग ली चैटल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं,
कुछ कंडीशंस के ऊपर, लो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, हाई प्रेशर मेंटेन करेंगे विद अ कैटालिस्ट। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे कैटालिस्ट किसका इस्तेमाल होगा, आयरन का और मॉलिब्डेनम का। मैंने अभी पूरा आपको फिल्म नहीं दिखाया, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, फिल्म तो अभी बाकी है। चलो इस फिल्म में चलते हैं और ये फिल्म क्या कह रहा इसको वन बाय वन करके समझते हैं गाइस। पहला क्या आता है, इन लार्ज स्केल अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हैबर्ट प्रोसेस। अगर आपको ज्यादा अमाउंट में अमोनिया बनाना है तो आपको प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, एक मोल नाइट्रोजन और तीन मोल हाइड्रोजन, और ये बना दिया अमोनिया, जिसमें आप देख रहे हो कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिस कैन रिप्रेजेंट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक इंडोथर्मिक जो हीट को एब्जॉर्ब करे और एक्सोथर्मिक जो हीट को इवॉल्व करे, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और साथ में रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। हाँ सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि अमोनिया को जो हम बनाएंगे वो हैबर्स प्रोसेस से बनाएंगे, क्लियर। आगे क्या कहता, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल दिख रहा, एक्सोथर्मिक ये भी दिख रहा, तो इसको हम मेंटेन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे ली चैटरल प्रिंसिपल को। ली चैटरल ने कहा कि लो टेम्परेचर रखना, हाई प्रेशर मेंटेन करना, कैटलिस्ट का प्रेजेंस में रिएक्शन कराना, तो आपका बन जाएगा क्या, अमोनिया। इसी हैबर्स प्रोसेस को पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, फिर हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर इसका मैन्युफैक्चर हम लोग कैसे करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया गाइस, चलो हो भी जाना चाहिए। अब ध्यान दिया जाए हम बना कैसे रहे, मतलब अगर आपको इंडस्ट्रीज बैठाना है तो आप किस तरह से बनाएंगे अमोनिया के लिए इंडस्ट्रीज। ये है आप देख रहे हो नाइट्रोजन गैस और यहां पे देख रहे हो हाइड्रोजन गैस। एक वॉल्यूम ये देंगे तो इसको कितना वॉल्यूम देना है, तीन वॉल्यूम, मतलब एक लीटर नाइट्रोजन गैस पास कीजिएगा तो तीन लीटर हाइड्रोजन गैस होना चाहिए, वो पंप से आप सेट कर लेंगे। ये दोनों का दोनों गैस एक जगह आएगा जहां मिक्सचर होगा, किस चीज का, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। जैसे आप मिक्सचर करेंगे आप इसको कॉम्प्रेस्ड करेंगे, कॉम्प्रेस्ड इसलिए करेंगे ताकि प्रेशर क्या हो, उच्च मेंटेन हो। अब ये उच्च क्या है, तो 200 atm प्रेशर जो होगा वो हाई प्रेशर मेंटेन करेगा जिससे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बढ़ेगा, क्लियर। लेकिन जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, ये आपको पता है कि अमोनिया का फॉर्मेशन किस तरह का है, तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, वो हम अपने अंदर से हीट निकाल ला और हीट दे देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ऐसे केस में फर्स्ट इसको आप ट्रांसफर कर देंगे किस जगह पे, एक जगह पे जिसका नाम है रिएक्टर, और इस रिएक्टर में आपने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया आयरन का। आप याद रखेंगे यहां पे कैटलिस्ट आयरन होता है और कैटलिस्ट के साथ साथ हम लोग उसके साथ प्रोमोटर इस्तेमाल करते हैं और प्रोमोटर होता है मॉलिब्डेनम। कैटलिस्ट आयरन और प्रोमोटर मॉलिब्डेनम उस चैम्बर में हमने डाला। अब कंप्लीट है कि अमोनिया बन गया। इस कैटलिस्ट से गुजारने के बाद इसको हम अगले कंटेनर में लाएंगे और इस कंटेनर में लाने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे। हमने क्या कहा कि लो टेम्परेचर फेवर करेगा, किस चीज को फेवर करेगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को। चलिए ठीक है, अमोनिया बन गया, अमोनिया जो भी बना वो लिक्विड अमोनिया में चेंज हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया को हमने सेपरेट कर लिया। बाय द वे, अगर कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभी भी अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो गैस के ही फॉर्म में रहेगा और फिर ये वापस आ जाएगा कहां, उसी चैम्बर में, कि भैया तुम बच गए हो, और अगर तुम बच गए हो तो आ जाओ फिर से अमोनिया बना लिया जाए, क्लियर है। तो ये कंडीशंस आपको मैं आगे मेंशन कर रहा हूं वन बाय वन करके। अभी मैंने जो इंडस्ट्रीज के बारे में बात की, ये इंडस्ट्रीज तो आपको बनाने आ गया कि आप किस तरह से अमोनिया का फॉर्मेशन करोगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे समझ में तो आ गई होगी बात। चलो नेक्स्ट गाइस, अगला हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा कि लो टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है। क्यों लो टेम्परेचर मेंटेन करना, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये ऑलरेडी अपने अंदर से हीट निकाल लो, उसको और हीट दोगे तो क्या ये रिएक्शन करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो ऐसे केस में हम लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अप टू कितना, 700 केल्विन। कहता लो टेम्परेचर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हाउएवर आगे क्या लिखा हुआ, एट लो टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। The optimum temperature of the reaction has been found to around 700 Kelvin. लेकिन जैसे हम temperature low कर रहे हैं, rate of reaction भी क्या हो रहा है, slow हो रहा है। तो हम इसको बढ़ा देते हैं किससे, high pressure maintain करके। जैसे high pressure कितना, 200 atm pressure आपने maintain किया, ठीक है। 200 pressure इसलिए maintain किया क्योंकि temperature को तो आप बढ़ा नहीं रहे हो, temperature को आप घटा रहे हो। temperature घटेगा तो rate of reaction भी घट जाएगा, लेकिन हम इस rate of reaction को increase कर रहे हैं किस बेसिस पे, प्रेशर के बेसिस पे।
क्लियर। इन द सेंस आप ये समझ लो कि यहां पे क्या हो रहा, लो टेम्परेचर और दूसरा क्या हाई प्रेशर, ये दोनों फेवर करेगा किसके बनने को, अमोनिया के फॉर्मेशन को। एंड लास्ट जो है वो ये याद रखना आपको कि कैटलिस्ट में हम लोगों ने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है और उस कैटलिस्ट का नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड इन द सेंस ऑफ आयरन। और प्रोमोटर में इस्तेमाल किया हम लोगों ने मॉलिब्डेनम, जो फेवर करेगा किस चीज को, अमोनिया के फॉर्मेशन को। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक लाइन में और समझ लो कि अमोनिया का इस्तेमाल ज्यादा रूप में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, किस चीज में, तो एग्रीकल्चर में फॉर द फर्टिलाइजर्स। क्लियर है। चलो इसको तो मैंने नहीं लिखा लेकिन आपको याद रखना है, मेनली हमसे यूज नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया गाइस, अभी आपके खाते में 5 नंबर नहीं जाने वाला, अभी आपके खाते में 3 नंबर जाने वाला, 2 नंबर आई होप सो आपको रिएक्शन से मिलेगा। रिएक्शन क्या है देख लो, रिएक्शन तो कह रहा हाउ डज इट रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, कौन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। मैं तो रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, आप रिएक्ट कर रहे हो। नहीं सर, अभी जिसको बनाया हमने, क्या बनाया है, तो लॉलीपॉप को, और लॉलीपॉप कौन है आपका, अमोनिया। किस प्रोसेस से, नाम है हैबर्स प्रोसेस। अमोनिया जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा कैसे, बात समझिएगा, ये कॉपर, कॉपर अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा एंड दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड दिस इज कॉल्ड सल्फेट। ठीक है, यहां 4 बैलेंस करने के लिए हमने ले लिया, बाकी कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जैसे रिएक्शन करेगा ये बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका अपना नाम होता है, लेकिन ये रिएक्शंस को आपको खाली देखना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो अच्छा वाला जो है वो हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और अच्छा वाला रिएक्शंस का क्या है स्क्रीनशॉट आप देख लो। यहां पे 4 मोल अमोनिया लिया, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनके तैयार हो गया, किस चीज का, अमोनिया का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, कंप्लीट। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। वैसे इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आप बात करते हैं 2022, तो अपना गैप बचा कौन, 2021 का क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2021 में, पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, शायद 2 ही क्वेश्चन है। क्लियर, क्या करना है आपको, आपको करना है स्क्रीनशॉट लेना है एंड देन आंसर पे डिस्कस करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन रिएक्ट विद एक्सेस अमोनिया टू फॉर्म। मैं आपको पहले समझा दूं कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, कौन सा ग्रुप से, ग्रुप 17 से। और अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन ग्रुप 15 से बिलोंग करेगा, तो मैं रिएक्शन करा देता हूं कि क्लोरीन भैया आप रिएक्शन कर लो अमोनिया चचा के साथ। ठीक है, और ये जैसे रिएक्शंस करेगा प्रोडक्शन क्या होगा, इस बात को समझिए। लेकिन यहां अमोनिया सिर्फ यूज नहीं किया, बल्कि कौन सा टर्म यूज किया, एक्सेस, मतलब लार्ज अमाउंट में, कौन है अमोनिया, तो लार्ज अमाउंट में मैं 8 मोल ले रहा हूं। क्यों 8 मोल ले रहा हूं बात समझिएगा, 4-4 का पार्टीशन कर देते हैं, NH3 एक और ले लेते हैं गाइज, चलो NH3। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको इतना लेने की जरूरत नहीं है। अगला केस ले लिए NH3 और कौन, NH3। सही है, अब देखेंगे बात समझेंगे, यहां का एक नाइट्रोजन लेते हैं और यहां का एक नाइट्रोजन लेते हैं, ये दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, बोलेगा चल भैया हम लोग डुबकी लगाते हैं, मतलब डुबकी क्या लगाते हैं, N2 गैस बना लेते हैं। ये दोनों नाइट्रोजन मिक्स करके क्या बना दिया, N2 गैस, बचा कौन, 3 हाइड्रोजन, बचा कौन, 3 हाइड्रोजन। अब ये 3 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन आपने इसको दिया, ये 1 हाइड्रोजन लेके बन गया अमोनियम, दैट इज NH4+, फिर 1 हाइड्रोजन इसको, फिर 1 हाइड्रोजन इसको, मतलब 3 बन गया NH4+। सेम कंडीशन, हाइड्रोजन इसको भी दे दे, NH4+ मतलब आपके पास अब जो बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, 6 मोल अमोनियम है NH4+। बारी किसकी, आ जाइए भैया क्लोरीन, और आपको पता है कि एक क्लोरीन में कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद NH4+Cl- बनाएगा, जिसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड, लेकिन कितना मोल बना, 6 मोल बन गया, बैलेंस नहीं है, क्लोरीन कितना है, 6 है, और यहां क्लोरीन 3 कर दें, बैलेंस हो गया। यही है बच्चा रिएक्शन जो आपको दिला सकता है 1 नंबर। बड़ा छोटा क्वेश्चन है सर, नंबर एक ही दे रहा, आराम से समझिए रिएक्शंस को, हो सकता है ये सब्जेक्टिव में आ जाए, अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव में है, इसलिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लें आप।
इसको मैंने दिया मिटा, तो सर ये वाला क्यों मिटा दिए, इसलिए क्योंकि आपको क्लियर वाला मैं व्यू दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्लियर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में अभी हमने बनाया था रिएक्शंस में, क्लियर। 3 मोल क्लोरीन गैस, 8 मोल अमोनिया, ठीक है। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलके पहले बना देता है N2, बचता है 6 मोल अमोनियम जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा अमोनियम क्लोराइड। आंसर तो पीला से आपने नहीं लिखा सर, आप लिख दो कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा सी, क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लेते हैं गाइस, प्रेम से समझना, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, रिएक्शन बड़ा मजेदार चीज होता है सर आपके लिए ना, मेरे लिए नहीं, आप ये प्रैक्टिस करोगे आपके लिए भी मजेदार हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन PS3। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला हूं, नाइट्रोजन नाना पापा अम्मी सब बीमार, ये वाला नहीं सर, वो वाला नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। अब मेरी बात समझिएगा, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, उससे बड़ा साइज फास्फोरस का होता है, उससे बड़ा साइज आर्सेनिक का, उससे बड़ा साइज एंटीमनी का। मैं क्या बोलूं, मैं सिंपल सा बात बोलूंगा कि ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऊपर छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, एंड देन साइज बढ़ा। ये तो कंफर्म हुआ अपने को कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है और फास्फोरस का साइज क्या है, बड़ा। साइज से क्या लेना देना, लेना देना है। अगर मैं नाइट्रोजन पे बात कर रहा हूं तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ गाइज 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 1 3 हाइड्रोजन। ये ड्यूप्लेट 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 और ये ऑक्टेट कंप्लीट किया। वही फॉस्फिन में अगर मैं देखता हूं तो यहां भी सेम कंडीशन है, वही हाइड्रोजन ही एड हो रहा है लेकिन बॉन्ड एंगल वैरी क्यों कर रहा है। अब बात समझिए, सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके रिपल्सन के ऊपर बेस्ड। दोनों का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, मैंने क्या कहा कि नाइट्रोजन का जो साइज है और फास्फोरस का जो साइज है उसके साइज में अंतर है, फास्फोरस का साइज बड़ा है, दिस वन इज अ फास्फोरस, एटॉमिक साइज फास्फोरस का क्या होगा, बड़ा होगा, उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा, यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसका बॉन्ड एंगल। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन को ले रहा हूं तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है और उसके साथ कौन जुट रहा, हाइड्रोजन, उसके साथ कौन जुट रहा, हाइड्रोजन, उसके साथ क्या जुट रहा, हाइड्रोजन। जनरली ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को आप देखो और यहां जो बॉन्ड बना, चलो ठीक है सर बॉन्ड को हम देख रहे हैं। अब क्या है कि इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, एटम का साइज भी छोटा है, तो बॉन्ड एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आएगा और बॉन्ड किसका बना है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होने की वजह से इस दोनों के बीच में रिपल्सन ज्यादा होंगे। हट भाई, साइड साइड हट, रिपल्सन हो रहा, क्या हो रहा, रिपल्सन हो रहा, तो रिपल्सन सबसे ज्यादा किसमें होगा, ऑब्वियसली कि नाइट्रोजन में। ये मेरे फिंगर को समझना, ये मेरे पास 5 फिंगर है, ये जितना छोटा होगा उतना ज्यादा नजदीक आएगा और जितना ज्यादा नजदीक आएगा रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, क्लियर। लेकिन इसमें देख रहे हैं तो साइज इसका बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो डिस्टेंस बड़ा होगा, जब डिस्टेंस बड़ा होगा तो रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। रिपल्सन कम होने के कारण फॉस्फिन का बॉन्ड एंगल छोटा होता है, लेकिन रिपल्सन ज्यादा होने के कारण नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल क्या होता है, बड़ा हो जाता है। एटम का साइज छोटा है, रिपल्सन ज्यादा है, और रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल बड़ा हो गया, कैसे। चलो ये तो एक क्लू था जो मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया, आगे की बात करते हैं। इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ अमोनिया 1 lone pair and 3 bond pair, ऐसा फॉस्फिन के साथ भी है सर, ऐसा क्या है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉलर इन साइज, साइज देखिएगा, साइज कैसा है, छोटू है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, कौन, नाइट्रोजन एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। रिजल्ट शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। द रिपल्सन एंड बॉन्ड एंगल इज 107.9 डिग्री, रिपल्सन इज मोर, लिख देते हैं रिपल्सन इज मोर, ये छूट गया, मोर मोर मोर, ठीक है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉलर इन साइज, रिजल्ट शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, ग्रेटर द रिपल्सन इज मोर एंड बॉन्ड एंगल इज 107.9, कैसे, देख लो यार फोटो पे, अमोनिया में बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा कितना, 107.9 डिग्री, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, रिपल्सन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ा देगा। लेकिन फॉस्फिन के केस में देखते हैं हम, तो फॉस्फिन के केस में क्या दिख रहा है ना कि फॉस्फोरस का साइज क्या है, बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा दूर हो गया, बॉन्ड लेंथ ज्यादा दूर हो गया तो रिपल्सन क्या हुआ, कम हुआ, और जब रिपल्सन कम होगा तो इसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा,
कम हो जाएगा कितना 93.5 डिग्री। इतना ही बात लिखना है, इसको फोटो को बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको बात लिखना है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, रिपल्सन ज्यादा होता है, बॉन्ड एंगल बड़ा बन जाता है। फॉस्फिन के केस में फॉस्फोरस का साइज नाइट्रोजन के कंपैरिजन से बड़ा होता है, जिसके कारण रिपल्सन कम होते हैं, रिपल्सन कम होते हैं तो बॉन्ड एंगल छोटा होता है। क्लियर, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, ये मिटा दिया। अब क्या करना है आपको, आपको एक जादू करना है और जादू में स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए यहां तक हम लोगों ने समझा 2021 के क्वेश्चंस को, अगली बारी किसकी, 2020 की। क्लियर, चलो कितना क्वेश्चन है देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन काफी नजर आ रहा, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच, अरे ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है। चलो वन बाय वन करके आंसर पे बात करेंगे, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट तो ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो पहले क्वेश्चन के आंसर पे बात करते हैं, व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस का ऑप्शन के बेसिस पे सिंपल कह सकते हो एलोट्रॉप से। क्लियर, व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस क्या है, एलोट्रॉप। अगली बात पे आते हैं, टाइम ही नहीं है कुछ क्वेश्चन में। इन द रिएक्शन, अभी जस्ट मैंने आपको हैवर्स प्रोसेस पर समझाया था और बताया भी था कि ये जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा हड़बड़ाहट वाला प्रोसेस होता है, मतलब जल्दी जल्दी होता है। क्लियर, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर आते हैं गाइस। कहता है इन द रिएक्शन ऑफ N2 and 3S2 अमोनिया बना रहा है, किलो कैलोरी इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो। क्या बताया था कि हैबर्स प्रोसेस जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर और दोगे तो रिएक्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, बोलेगा नहीं चाहिए। क्लियर, तो ऐसे केस में फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए लो टेम्परेचर फेवर करता है किसको, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को। ये जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, क्वेश्चन को समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मजेदार सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मजेदार क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन PCl5 इज हीटेड, गिव रिएक्शन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जैसे हम रिएक्शन कराएंगे, पहले आप बात समझ लो कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, इधर कौन जुटा तो इधर जुटा क्लोरीन, सही है। दूसरे साइड पे फिर से हम जोड़ रहे हैं किसको, क्लोरीन को जोड़ रहे हैं, तो सर सबको क्लोरीन को जोड़ दीजिएगा, बिल्कुल जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद ये देखो ऑक्टेट फास्फोरस अपना कंप्लीट कर दिया, तो सर कर दिया तो कर दिया, क्या दिक्कत है। इसके साथ मैं दो और क्लोरीन को जोड़ रहा हूं, लेकिन ये दो क्लोरीन जो इसके साथ जुटेगा वो जुटेगा जरूर, लेकिन कौन से बॉन्ड से, सिंगलेट बॉन्ड से, कौन से बॉन्ड से, सिंगलेट बॉन्ड से क्लोरीन जुट गया, सही है। यहां पर दो तरह का बॉन्ड बना है, ये वाला कोवेलेंट, ये वाला कोवेलेंट, ये वाला कोवेलेंट, और ये दोनों बॉन्ड हो गया सिंगलेट बॉन्ड, मतलब फॉस्फिन में PCl5 में, फॉस्फिन बोलते गलती, चल माफ कर, बात समझो, PCl5 में क्या बोल रहे हैं कि तीन जो क्लोरीन है वो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुटा है, कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और दो क्लोरीन जो है वो जुटा है सिंगलेट बॉन्ड से जो कमजोर होता है। लेकिन जैसे आप हिट करोगे तो पहले कौन टूटेगा, कमजोर वाला या स्ट्रॉन्ग वाला, ऑब्वियसली कमजोर वाला टूटेगा। तो जैसे आप इस PCl5 को क्या करते हो, हिट कर देते हो गरम गरम गरम, और जैसे गरम करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा PCl3 में और क्लोरीन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, हो गया रिएक्शन, करना कुछ नहीं है, जब कुछ करना ही नहीं है तो वीडियो कहला देते हैं, एग्जांपल दे रहा है। चलो PCl5 सॉलिड है और इसको हिट का सिंबल दे दिए और ये टूट गया PCl5 में NCl2 में। करना क्या है, करना है आपको जादू, और वो है जादू स्क्रीनशॉट लेना, ले ले गाइस। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे, फोर्थ नंबर, व्हाई इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज लेस रिएक्टिव, बस समझिएगा लेस रिएक्टिव, और रिएक्टिविटी बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है। इन द सेंस मैं H2 को लेता हूं, O2 को लेता हूं, N2 को लेता हूं, तो सर यहां N2 का क्वेश्चन है, लेकिन लेते न्यू कर रहा हूं, समझो बात को। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुटेगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड। दूसरा ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे में भी 6 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड का साझेदारी करेगा, ये भी सही है। लेकिन आते हैं नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ये भी सही है सर, सही है। अगर मैं एक सिंगल को तोड़ना चाहूं, तोड़ दूंगा, मैं तोड़ने नहीं जा रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे लिखना है और अभी आपको बहुत पढ़ाना है,
अगर ये सिंगल होगा तो टूट जाएगा, लेकिन अगर मैं इसी को डबल ले लूं तो तोड़ना मुश्किल है, ट्रिपल ले लूं तो तोड़ना और ज्यादा मुश्किल है। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में आपको कुछ एनर्जी लगेगी, कुछ मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। इट मीन्स कि हाई टेम्परेचर इज नीडेड कैच इसके लिए सर, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये जुटेगा नहीं। क्लियर? सबसे ज्यादा टेम्परेचर लेता है, लगभग 900 कैलोरीज एनर्जीज ले लेगा का N2 बॉन्ड तोड़ने के लिए, और उतना टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर में होता नहीं। इसलिए दूसरे बेसिस पे आ जा, ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो सर हम जाने हैं कितना परसेंट, 78%। क्यों? अगर आप किसी एप्पल को काट के रख देते हो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, नाइट्रोडाइज क्यों नहीं होता? क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में हाई एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं है। क्लियर? तो ऐसे केस में ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड टूटता है वो 400 कुछ कैलोरीज एनर्जी पर टूट जाता है, लेकिन बात समझिएगा, ऑक्सीजन इजिली टूट जाएगा, नाइट्रोजन इजिली नहीं टूटेगा, उसको टूटने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए वो रिएक्शन नहीं होंगे। इन द सेंस यहां पर जो क्वेश्चन कहा, इस बात का जवाब ये लाइन से नहीं है, क्या है, कहता है वाई द N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स लेस रिएक्टिव। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। फिलहाल जो ट्रिपल बॉन्ड आपको समझ में आ गया, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा एंथैल्पीज होगा, और एटम के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। एटम का साइज छोटा होगा बॉन्ड लेंथ छोटा होगा एंथैल्पी ज्यादा होगा, एटम का साइज बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा एंथैल्पी कम लगेगा। अभी फिलहाल मैं नाइट्रोजन के बारे में क्या लिखूं जो दो नंबर आपको आ जाए। इन N2 मॉलिक्यूल्स देयर आर ट्रिपल बॉन्ड, सर देख लेते हैं, एग्जिस्ट इन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। मतलब नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बॉन्ड का बॉन्ड इनथैल्पी कहते हैं। बॉन्ड इनथैल्पी इसकी ये बहुत ज्यादा होती है, सो दे लेस रिएक्टिव, इस कारण ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। लेकिन आप हाई टेम्परेचर दोगे तब ये रिएक्शन कर लेगा कि हाँ भैया हम रिएक्शन कर सकते हैं, और अब थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन भी कराया था हाइड्रोजन के साथ, लेकिन वहां पे हाई टेम्परेचर वो खुद एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, तो हमको कैसे मेंटेन करना पड़ा, हाई प्रेशर मेंटेन करके ताकि रिएक्शन हो सके। क्लियर? चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, दो नंबर आपके खाते में। 2020 का एक और क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, इसको हमने नहीं मिटाया। कहता है फॉस्फिन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया, फिर से वही भेसा पिटा सवाल। फिर से मैं बोल देता हूं कि नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुटा है, नाइट्रोजन छोटू है, और जब छोटू है तो उसका बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा, और फॉस्फिन के केस में, फॉस्फिन के केस में हाइड्रोजन जो जुटा है लेकिन फॉस्फिन का साइज, एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से, क्या बड़ा होने की वजह से, फॉस्फिन का एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, बड़ा हो गया, और इसका बॉन्ड लेंथ कैसा रहा, छोटा रहा। छोटा वाले को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू बड़ा वाले, तो जितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा वो इजिली टूटेगा कम एनर्जी में, लेकिन जितना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो कहता है फॉस्फिन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा देन अमोनिया। पहला तो ये बॉन्ड के बारे में हो गया, क्लियर। दूसरी चीज क्या आप देखोगे ना, अगले पॉइंट्स पे आते हैं। एक चीज मैंने समझाया, दूसरी चीज समझना, एक अमोनिया दूसरे अमोनिया के साथ एक बॉन्ड बनाता है, जिस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कारण क्या है? कारण यह है कि नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस दोनों के बीच में एक बॉन्ड डेवलप्ड किया, जिस बॉन्ड को कहते हैं H बॉन्ड। मतलब अमोनिया के केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, लेकिन फॉस्फिन के केस में ऐसा कोई बॉन्ड मिलने वाला नहीं है। कौन वाला सर? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉस्फिन में नहीं पाया जाता है। क्लियर? यहां पे इंट्रैक्शन हो सकते हैं, ठीक है, वैंडर वॉल फोर्स हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड है अमोनिया के केस में, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, फॉस्फिन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि अमोनिया में आपको मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन फॉस्फिन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहता। अब समझो एक और चीज जिसको मैं समझा ही देता हूं, बचा के रखने से क्या फायदा, और फायदा क्या है तो समझना। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो सिंपल समझिए आप कि एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पाया जाता है।
मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और बेटा नाइट्रोजन, यही तीन ऐसे एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। और इसके लिए आप याद रखोगे ऑन और ऑफ, मतलब स्विच सर, हाँ स्विच। स्विच में क्या है, ओ कॉमन है एंड और क्या एफ। इस तीन के अलावा चौथा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। क्लियर? तो अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाँ सर बनाएगा। वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल, क्योंकि वहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। क्लियर? तो यही तीन एलिमेंट्स हैं। तीन एलिमेंट्स ही क्यों, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस कारण वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन फॉस्फिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, जिसके कारण अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है किससे, फॉस्फिन से। क्लियर? चलो, अपने को इतना समझ में आया सर, आप हटे भी नहीं, चलो इतना तो याद रखना पड़ेगा। आंसर के बेसिस पे आगे क्वेश्चन आएगा, मैं और डील कर दूंगा, फिलहाल तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अमोनिया कंटेन नाइट्रोजन विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एबल टू फॉर्म कौन सा बॉन्ड, एच बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, व्हाइल द पी एच थ्री डज नॉट एबल टू फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एच थ्री इज ग्रेटर दैन पी एच थ्री। क्लियर गाइज? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मेरा भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन आज के लिए गाइज थैंक यू एंड बाय। नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ हम लोग मिलते हैं, आज के लिए बाय।